हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्पीड मैथमेटिक्स आपका स्वागत करता है। मुझे लग रहा है कि सब लोग जुड़ गए हैं और आज ये इंतजार खत्म हो गया कि क्या 21 तारीख से क्लास ऑफलाइन चलेगा। आपको पता है कि आज फिर से निर्णय कल शाम ही को आ गया कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाएंगे। सरकार का मनसा है अभी कि कुछ दिन और आपको लाइव क्लास शिक्षकों के द्वारा दिया जाए। तो फिर से हम लोग सरस्वती पूजा के बाद शायद सूचना गुड न्यूज आए, लेकिन जब तक नहीं कहती है सरकार तब तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे कोचिंग के लिए जिनका जो रजिस्टर्ड हैं, जो लीगल रूप से काम करते हैं, ठीक है, जो सही ढंग से टैक्स वगैरह पे करते हैं, तो मुश्किल हो जाता है आपको डिसीजन लेना कि क्या किया जाए नहीं किया जाए। ठीक है, इसीलिए बहुत खेद है कि मैं आज फिर से आपको ऑफलाइन नहीं बुला सका, सबको सूचना नहीं दे सका, लेकिन इतना तय है कि बहुत जल्द ही हम लोग सरकार के आदेश के अनुसार देखते हैं क्या हो सकता है। प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए आपसे हर दिन मैं प्रयास किया हूँ कि जुड़ूं, तो वो मैं कर रहा हूँ। आपको भी इसमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है उसके अनुसार से ही ढलना बेहतर होता है कई बार। नहीं तो दिक्कत ऐसा होता है कि लोग थोड़ा सा इसका असर बुरा पड़ता है। अगर मैं डिसीजन लूं क्लास देने का, तो थोड़ा सा मार्केट पर भी होता है कि ये इतना बेहतर इंस्टीट्यूशन होकर सही ढंग से काम नहीं कर रही है। और चूंकि कई बार हम लोग पहले भी देखे हैं इस पर काम करके, सरकार का जो मनसा रहता है वही होता है। हमने कई बार पिछले बार भी लॉकडाउन में डीएम के पास से भी, तो डीएम भी सीधा कहती है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो जो सरकार वो परमिशन देगी उसी के अनुसार से चलना होगा। तो ठीक है, सिचुएशन ये है कि फिर से लाइव आपको क्लास देंगे और चलता रहेगा ये लाइव। और एक सूचना और भी कि सभी को समझना है कि क्लास आपका जो नया बैच शुरू हुआ था 11 बजे से, तो आज फिर से शुरू से 11 बजे वाला बैच में, नए बैच में भी हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, तब जब तक कि क्लास स्टार्ट नहीं हो जाता। उन लोगों को बताया गया था कि 21 तारीख के, हमको लग रहा था कि शायद 21 तारीख के बाद क्लासेस ओपन हो जाए, चूंकि केसेस उतना मृत्यु दर बहुत कम था, तो मुझे लग रहा था कि जब मार्केट खुला है तो शायद खोल देगी सरकार, लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। तो साफ है कि अब वादे के अनुसार आपको सारा क्लास जो 11 बजे वाला नया बैच भी इंतजार कर रहा था, उन लोगों के लिए भी आगे जो क्लास है, आज आज का क्लास लाइव होगा उनका। 21 तारीख से बोले थे कि शुरू करेंगे, तो शुरू कर रहे हैं। आप लोगों सभी लोग जो जो लोग बच्चे आपके थ्रू मेरे पास एडमिशन लिए हैं, या जो लोग लेना चाहते हैं, वो दोनों हमारे साथ YouTube पर लगातार पढ़ेंगे। लेकिन जैसी क्लासेस शुरू होंगे उन तमाम बच्चों को YouTube पर, ऐसा नहीं कि लगातार चलता रहेगा, बैच बंद कर दिया जाएगा। रह गई बात कि सर बोल रहे थे कि ऐप पर कुछ देने का, तो देखो यार, ऐप पर अगर जिस दिन हम शिफ्ट होते हैं उस दिन YouTube पर का जितना कंटेंट होगा वो ऐप पर उपलब्ध होगा। तो जो बच्चे मेरे पास एडमिशन लिए हैं वो निश्चित तौर पर ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों का ये होता है कि सर YouTube पर जो पढ़ते हैं सो एक बार में क्लियर नहीं होता है, तो क्या होता है कि डिलीट मत कीजिएगा। एकदम सही है, मैं उसको बल्कि क्या करूंगा कि ऑफलाइन जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें होता है क्या कि बहुत सारा चीज होता है जो कि हम लोग ऐसी कमेंट पढ़ लेते हैं, ये तमाम चीजें, तो उसको एडिट करके, यानी कमेंट वाला सेक्शन को हटा घटा कर वीडियो को छोटा करके, वही चीज केवल उसमें रहेगा कंटेंट जो कि पढ़ाया गया है। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, फिलहाल जिस तरह का सिचुएशन है उसके अनुसार से ढलना, व्यक्ति को लचीला होना चाहिए। अध्यात्म भी कहता है कि समय के अनुसार व्यक्ति को उसके अनुसार बदलना चाहिए, और जो सिचुएशन मिल पाता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो आपके हाथ में नहीं होता है, उसके अनुसार से ढल कर उसमें काम करने की आवश्यकता होता है। वही हम कर रहे हैं और शुरू करते हैं। परसेंटेज का टाइप्स कुछ बताओ, बचा हुआ था उसको करेंगे अभी। पैकेज कैसे मिलेगा सर? तो पैकेज तो ऑफिस में आ सकते हैं, ऑफिस में सब लोग जो ऑफिस मेंबर हैं वो आपके लिए। सरस्वती पूजा होगा सर? देखो, एक कह रहे हैं कि जयराम सरस्वती पूजा होगा क्या?
बहुत वहाँ विद्या की देवी बहुत दुखित हैं अभी, तो सरस्वती पूजा देखते हैं। अभी 6 तारीख तक का गाइडलाइन जारी किया है सरकार कि 6 तारीख तक वैसे ही चलेगा जैसे पहले था, मतलब साफ है कि 6 से शायद 5 को सरस्वती पूजा है ना, तो आप लोग मनाइए। इंस्टीट्यूशन है, हाँ पूजा पाठ करेंगे, इंस्टीट्यूशन में पूजा पाठ होता ही है, होगा, आप लोग भी पूजा पाठ करें, ठीक है। जिनको आस्था है, आस्था कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें अब माँ सरस्वती भी कहती हैं कि कर्म करो, बाकी सब देख लेंगे हम। तो आप जितना बेहतर पढ़ रहे होंगे, यानी कि उनकी पूजा आराधना वही है जो आप नियमित रूप से हर दिन पढ़ते होंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग। शायद कितना क्वेश्चन लिखकर बताइएगा कि कितने तक कोई क्वेश्चन कितने तक आपका सोल्यूशन हुआ था। टाइप्स का साथ मतदान कर रहे थे, पास फेल का कर रहे थे क्वेश्चन, पास फेल का हुआ था। तो आइए हम देखते हैं पास फेल से संबंधित क्वेश्चन को, कहाँ तक हुआ था पास फेल वाला। शायद मुझे जहां तक याद है 73 क्वेश्चन हो रहा था, राइट, हो गया था क्या 73 क्वेश्चन? 73 हो गया था, तो मैं एक काम करता हूं, 74 शायद 73 लगता हो गया था, 74 भी हो गया था क्या? 74 हम देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा पीडीएफ फॉर्म में है तो आपको एडजस्ट करना होगा इसके साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कहते हैं किसी चुनाव में दो प्रत्याशी हैं ए और बी, इस चुनाव में मतदाता की सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने पार्टिसिपेट नहीं लिया, 10% भाग नहीं लेते हैं और 60 मत अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। 60 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बच्चे इसमें बहुत फंसते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से सोचिएगा बनेगा, मैं एकदम ऑथेंटिक आपके जैसा आप जैसा सोचते हो जब से 10th से पहले जो पढ़े होंगे प्रतिशत 8th में, तो उस समय जो सोचते थे वैसे ही सोचेंगे हम लोग, कुछ नया नहीं करेंगे। देखो ज़्यादा नया करने के चक्कर में बच्चा क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा याद करने लगता है कि ऐसे करना है ऐसे करना है, हर सवाल के लिए अलग ना सोचें, बस तरीके से सोचें, समझ के सोचें। सवाल कह रहा है किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी थे, पार्टिसिपेट हो रहे थे और यानी कैंडिडेट दो थे ए और बी। कह रहा है कि कैंडिडेट अगर ए और बी थे तो भाई ऐसा है कि इस चुनाव में 10% मत देने ही नहीं आए वोटर लोग 10% मत देने नहीं आए और 60 मत अमान्य घोषित कर दिया गया, यानी कि इनवैलिड कर दिया गया, जिसको मान्यता नहीं दिया गया। 60 मत, प्रतिशत नहीं है ये मत है। यदि ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज संख्या का 47% हो, एक को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज मतों के का 47% हो और बी 308 मतों से पराजित, बी को 308 मतों से पराजित करे, यानी कि बी हार जाता है ए जीत जाता है 47% लाकर। लेकिन केयर ये करना है कि भाई क्वेश्चन में ही कह रहा है कि किसका, ए को क्या मिला, ए को मिला मतों में, ए को मिले मतों की संख्या कुल सूची में दर्ज का 47% हो, कुल सूची में दर्ज। ये कई बार वैध मत का दे देता है, कई बार डाले गए मत का दे देता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल स्पष्ट किया है कि जितना मतदाता सूची में नाम होगा, वोटर लिस्ट में नाम होगा वोटरों का, उनका 47% मिल गया किसको, ए को, और वह बी को पराजित कर दिया 308 मत से। यानी कि बात स्पष्ट है, ए और बी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10% वोट नहीं देने आए और 60 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। माना कि कुल मत कितना है भाई, माना कुल मत 100, माना कुल मत 100 और 100 में से हो गया 10 नहीं डालने आए, 10% नहीं डालने आए, तो डाले गए मत देखिए कितना होगा, डाले गए मत, तो डाला गया मत हो गया भाई 90, है कि नहीं, और डाले गया मत, और बोलता है कि इसमें से क्या हुआ कि 60 लोग 60 मत नहीं पड़ा। अभी देखो प्रतिशत था तो 10 का लिख दिए, 10 का ये जो 100% माने होंगे तो ये बचेगा 90% भाई,
देखिए 100 के रिस्पेक्ट में अगर कम किए हैं तो जो बचता है ना वो भी प्रतिशत में ही होता है, बस लिखते नहीं है उसको प्रतिशत में, 90 मतलब 90%, क्योंकि 10% आप घटा दिए तो नहीं लिख रहे, लेकिन जैसी मत घटाएंगे यहां पर लिखना पड़ेगा कि भाई मत अवैध हो गए, अवैध, अवैध, इनवैलिड, अवैध हो गए। अगर इतना मत अवैध हो गए तो वैध मत आप लिखिएगा, वैध मत आप लिखेंगे, वैध मत हो जाएगा 90% माइनस 60, न कि आपको 30 कितना लगेगा, 90 में से 60 गया 30, नहीं 90 वहां पर परसेंट में था, ये केयर करना होगा आपको, 90% माइनस 30 ये वैध मत हुआ, और इसी में से कुछ वोट ए को मिला, ए को कितना वोट मिला, ए को कुल का 47% मिला बाबू, कुल का 47%, ए को क्या मिला, ए को मिला कुल मतों का 47%, ए को मिला 47% कुल मतों का, तो कुल मतों का 47% यानी 47% मिला है ना, 100 का 47% 47% ही कह सकते हैं, या 47 मिला, लेकिन प्रतिशत में चुकी लिख रहे हैं तो प्रतिशत लिखेंगे, और ये मिला ए को इसमें से ही। देखो जी वोटिंग जो जितना में जितना वैध मत पड़ा है ना उसी पर जीत हार होगा, ए को मिला 47% और बी को मिला है इसमें से कितना, बी को भैया कहता है कि बी को क्या मिला कि अगर पूरा मत इतना था उसमें से 47% मिल गया तो बी को मिला होगा कितना, 47 कम मिला होगा इसमें से, 47 घटाइएगा तो ये बचेगा 3 और ये बचेगा 8 में से 4 गया 4, 43% माइनस 60, 60 ये मत है, कुछ नहीं लिखे हैं तो ये क्या है, ये मत है, क्लियर हुआ बात क्या, 60 मत है। सो डेटा कुछ यही है कि भैया कुल मत माने 100 उसमें से 10 मत हो गया क्या, ये 10 मत जो था सो डालने नहीं है, वोट ना डाले, वोट ना डाले, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दूं और छोटा कर दूं तो थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं इसको, और ध्यान से सुनिएगा कि अगर ऐसा हो गया तो आप सोचिए ना भाई कितना मत इससे जीता है, ये कहता है कि भाई हम जीत गए जानते हो तुमसे कितना मत से, ए जीत गया कितना मत से, 308 मत से, 308 मत से चुनाव जीत गया, यानी इन दोनों का अंतर जब निकालिएगा तो कितना होना चाहिए, 308, ये बी का था, यानी कि ये जो यानी कि ये ए मिला और ये मिला बी को, अगर मैं अंतर निकालूं इनका तो इन दोनों का अंतर निकलेगा बाबू ये यहां पर 308, क्यों, क्योंकि इससे ही 308 ज्यादा होना चाहिए, तो सोचिए 47 में से 43 गया कितना, 4 और ये कितना घटाएंगे तो प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट आएगा आपको ये पूरा का रिजल्ट देखिएगा तो आएगा 4% और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 60 बराबर कितना 308 बराबर 308, क्लियर है क्या, और इसीलिए 4% यानी 4% बराबर हो जाएगा, जानते हैं कितना घटेगा तो 8 248, तो 100% मत कितना होगा, 100% मत हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा कितने बार में 62 बार में, तो ये 6200 हो जाएगा कुल, लेकिन बोलता है क्या तो कुल डाले गए मत पूछता है, और डाले गए मत कितना था 90%, हमें निकालना है डाले गए मत, तो डाले गए मत के लिए आपको 90% निकालना है, और 90% बराबर होगा जानते हैं कितना 100%, 4% बराबर इतना है तो 1% बराबर जानते हैं कितना हुआ, 1% बराबर हुआ होगा जानते हैं कितना 62, तो 90% बराबर 9 × 2 = 18 और 9 × 6 = 54 और 1 = 55, 5580 मत होगा, तो बहुत बच्चों का 5580 मत आना चाहिए इसका। देखिए पूरा सॉल्यूशन बढ़िया से समझ लीजिए, अब ये तमाम चीजों को माइंड में कैसे सोचते सर, ये तमाम जो डायग्राम आपने बनाया है उसको माइंड में एकदम एग्जाम में कैसे सोचेंगे, पहली बार तो एकदम ऐसी सोच के बनाना है आपको, फिर इसी चीज को आप कई बार देखेंगे सोचेंगे समझेंगे माइंड में ही बनने लगेगा ये।
विकास कुमार कहते हैं गया में रूम खाली कर दें सर। देखिए बाबू, पढ़ने के लिए माहौल जरूरी होता है। व्यक्ति घर में भी पढ़ सकता है अभी लाइव है तो, लेकिन क्योंकि बहुत बच्चों को देखते होंगे कि गया में ही रूम है और गया में अलग रख रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को माहौल नहीं मिल पाता है घर में। इसलिए मैं अगर कहूंगा कि 10-15 दिन की बात है और आगे निश्चित तौर पर सरकार डिसीजन लेगी, तो हमारा नहीं लगेगा सजेशन कि खाली करें, लेकिन बाकी चीजें आप पर डिपेंड करता है। आप अपना जिस तरह का सिचुएशन है उसके अनुसार बेहतर जानते हैं अपने आप को। फिर से पढ़ाता बनाता हूं, एक्सपर्ट सर, एक्सपर्ट भी बनाएंगे, लेकिन पहले ये समझिए बढ़िया से। निर्भय सिंह, सतरंजन कुमार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सतरंजन, बढ़िया से देखिएगा समझिएगा, मैं फिर से पढ़ा रहा हूं। विक्की, दीपो, शुभम, विवेक, मनिता, सूरज, सर अब ऑफलाइन ही होगा ना सर? ऑफलाइन नहीं होगा सूरज भाई, मैं ये सवाल एक बार फिर से देखिएगा, फिर से कंटिन्यू करता हूं। ये पहले समझिए, कुल मत माना हमने 100, उसमें से 10% वोट ना डाले गए, यानी डाले गए 90% वोट, और 90% में से देखो जब तक ये 90 ऐसे लिखे हुए थे, लेकिन जैसे ही 60 घटाने की बात आई, चूंकि 60 मत अवैध हो गए, तो वैध मत यानी वैलिड वोट कितना, वैलिड वोट कितना सर, ये वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट कितना, तो वैलिड वोट होगा आपका 90% माइनस 60, और 90% माइनस 60 पर ही जीत हार होगा, हमेशा से वैलिड वोट पर ही जीत हार होता है। और वैलिड वोट 90% माइनस 60 हुआ, उसमें से कुछ ए को मिला और कुछ बी को मिला होगा, क्योंकि वैलिड वोट जो उसी को ना काउंटिंग किए होंगे, तो कुछ उसमें से ए को मिला, कुछ बी को मिला। ए को क्या मिला, क्वेश्चन कहता है ए को कुल मत का 47% मिला, ए को कुल मत का 47% मिला, सूची में दर्ज कुल मत का, ये कभी कभार यहां से भी उठा लेता है, डाले गए मत का इतना मिला, तो आपको केयर करना है एकदम एक एक शब्द को। तो कहता है कि भाई ये कुल मत का 47% मिला, तो कुल मत माने थे 100 का 47% 47 हो गया, तो बी को कितना मिला होगा, तो जो इसमें से बचा होगा वो बी को मिला होगा, ये कर लीजिए। अब दोनों का अंतर दे रखा था कितना, दोनों का अंतर 308, तो सीधा सीधा देखिए ना 47 में से इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर निकालिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे अंतर निकालिएगा प्लस हो जाएगा, और ये 47 माइनस 43। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आपको यहां से समझना चाहिए ऐसे, और फिर निकाल दिए 4% प्लस 60 बराबर 308, 4% बराबर 248, 1% बराबर 62, 100% बराबर 6200, लेकिन 100% निकालना नहीं होता है, यहां पर निकालना था कितना परसेंट, डाले गए मत, तो डाले गए मत तो था कितना 90 सर, ये 90% है क्या है ये यार, ये 100% माने हैं तो ये 90% होगा, ठीक है 100% है या 90% है ऐसे भी कह सकते हैं, या 100 माने तो ये 90 होगा, कोई बात नहीं है, ऐसे दोनों चीजें लिख सकते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना चाहिए। लेकिन जहां अगर मत घटाने की बात आई तो प्रतिशत में लिखना पड़ेगा, मत घटाने की बात आई तो उसको किस में लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे और बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर यह निकल गया था, लेकिन मुझे ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये कैसे, देखिए जी कहता है ना, कह रहा है कि भाई ऐसा है कि 47% 47% मिला है ए को, तो बी को मिला होगा कितना, बी हार गया था इससे, जानते हैं बी हार गया था कितना से, 308 मत से, यानी कि इतना मिला होगा ए को, 47% मिला होगा ए को, और बी को मिला होगा 47% माइनस 308, सही कि नहीं, क्योंकि इतना मत से हार गया था वो, तो बी को 47 मिला होगा ए को, तो बी को मिला होगा 47%, जितना से हारा है उतना कम मिला होगा, यानी 308 मत कम मिला होगा, तो ये 47% और 47% माइनस 308 ये कम मिला होगा, और ये टोटल जो दोनों को मिला होगा वो जानते हो क्या होगा, वही तो टोटल वोट होगा, टोटल जो डाला ये वैलिड वोट होगा, सो तो वैलिड वोट को लिख दीजिए ना यहां पे, वैलिड वोट टोटल था कितना परसेंट, 90% और माइनस 60 था वैलिड वोट, 90% माइनस 60 वैलिड वोट था, क्लियर है क्या बात, अरे 90% माइनस 60 वोट था वैलिड वोट, क्लियर है क्या, 90% माइनस 60 वैलिड वोट था, बस अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा आंसर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 47 47 आपका कितना हो गया,
94% माइनस 308 है और बराबर 90% माइनस, जिनको एकदम नहीं समझ में आता यहां, यहां तक अगर क्लियर है तो यहां पर से ऐसे लिखिए, फिर ए को क्या मिला और बी को क्या मिलेगा मिला। इसको देखिएगा तो ये 4% बराबर यहां पर भी 308 मत माइनस 60। देखो मत को मत से, मत को मत से और प्रतिशत को प्रतिशत से देखेंगे हिसाब किताब, यानी कि यहां पर 4% बराबर हो जाएगा, जानते हो क्या, 8 248, यानी कि यहां पर 90% बराबर होगा। यहां पर 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसे लिखा कीजिए, आप लिखना जानते हैं ना कि 4 बराबर 248 है, तो 90 बराबर कितना, वैध मत, यानी कि 90 बराबर कितना, तो 90 बराबर हो जाएगा, ये कटिए काटिए इससे, काटिएगा तो 4 से कटेगा, 4 6 24, 4 2 8 62 और 62 9 हो जाएगा, 9 2 18, 9 6 54 और 1 5580। ऐसे था भाई, उपेंद्र कुमार एक बार और मैं वही कर रहा हूं, आप थोड़ा सा देखिएगा तो नजर आएगा। तो आपको दो तरीके हैं, या ए और बी ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक तरीके से आपको समझना था। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा अब ये, ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि ए को मिला होगा क्या, ए को मिला होगा भाई, ए को मिला होगा यही वोट और बी को मिला है ये, तो ए और बी को जो मिला है वही जोड़ के तो है कुल वैलिड वोट, वैलिड वोट, वैलिड वैध, वैध, मुझे लगता है हो गया ये सवाल। देखिएगा मिटाता हूं मैं इसको, आगे का प्रश्न 74 के बाद 75 देखिएगा, हम लोग 75 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 75 भी अपने सवाल समय में बड़ा परेशान किया था, आसान सा सवाल है लेकिन देखिए, पर देखते हैं कितना समझ में आपको आता है। सवाल कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उसमें से 75% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया, यानी 25% नहीं किया, वोट ही देने नहीं आया। फिर कह रहा है उसमें इनमें से 2% मत को अवैध कर दिया गया, जो 75% आया ना वोट देने, उसमें से एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इनमें से 2% मतदाताओं को मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, 2% को क्या कर दिया गया, इनवैलिड। फिर कहता है कि और एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए, जो कि वैध मतों का 75% था, और एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किया और वैध मतों का 75%, यानी कि वैध मत निकल जाएगा अगर 75% बाबू दे रखा है, वैध मत 75% अगर दे रखा है, कितना मानेंगे कुल वैध, कुल वैध, क्यों, क्योंकि यहां सर 75% वैध मत का देल है, तो हम कुल वैध क्यों नहीं मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन बढ़िया समझिए, दो उम्मीदवार थे, दोनों उम्मीदवारों में से पहले कुछ नहीं बोला है कि क्या है, कितना, कौन जीता, कौन हारा, केवल कहता है ना कि दो उम्मीदवार थे, लड़ रहे थे चुनाव, उसमें से जिस चुनाव में लड़ रहे थे उस चुनाव में मतदाता सूची में जो मत था उसका 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया, सॉरी 75% मत ही डाले गए और डाले गए मत का 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया, और जो वैध मत आया उसका 75% एक मत, एक उम्मीदवार को प्राप्त हुआ। तो कितना स्पष्ट है कि कुल मत सूची में कुल
मत दर्ज होंगे उसमें से 75% डाले गए होंगे और डाले गए में से 2% इनवैलिड होंगे यानी कि अवैध हो गए होंगे और जो बचा होगा वैध होगा उसका 75% 9,961 होगा। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, मतदाता सूची में कुल मत हुए 25% नहीं वोट देने आया यानी 25% वोट डाला गया और जो डाला गया उसका 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया यानी कि जो डाला गया उसका 98% वैध हुआ। ठीक है, यानी कि एक मत अगर कुल था उसका 95% 75% डाला गया बाबू, इसका 75% डाला गया और इसका 98% क्या हो गया वैध हो गया और इसका 75% जो है सो 9,961 हुआ, एक को मिला 9,961। ये किसको मिला था, पहला का एक मतदाता को, एक उम्मीदवार को, एक उम्मीदवार को मिला। तो ये आसान होता है, फिर से सोचिएगा कि कुल मत अगर माना है हमने कुल मत x तो उसमें क्या हुआ कि 75% ही वोट डाले गए यानी कि x का 75% डाला गया और डाला गया उसका 2% इनवैलिड हो गया यानी कि 98% उसका वैलिड रहा होगा और 98% में से जो वैलिड वोट था उसका बाबू वैलिड वोट का 75% एक मतदाता को मिलता है तो वैलिड वोट जो इतना तक आया जो वैलिड वोट है उसका 75% 9,961 होगा। कैलकुलेट कीजिए आंसर आएगा, यानी कि आप लिख सकते हो 75% को क्या भाई x गुने 75% को 25 × 75 और 25 × 100 3/4, 98 को 49 × 98 और 50 × 100 और 25 × 75 और 25 × 100 इतना होगा और 9,961 ये बच रहा होगा। इसको ऐसे कैलकुलेट करके सॉल्व कीजिएगा या फिर क्या कीजिएगा, 3 से कट जाता है बाबू, कट के मैं दिखाता हूं, देखो 3 × 3 = 9 से कट जाएगा, 9 एक बार में कटा, 0 लगा हुआ, 9 × 9 = 18 और 8 बचा हुआ, 9 × 9 = 81 129 है, 49 से कट जाता है क्या 129, 0 यहां पर छूट गया है शायद 1029 है ना, यही होगा क्या, मैं 0 नहीं लिखा शायद, एक मिनट, हाँ देखिए 1 और फिर 0 लगा होगा तो 9 × 2 = 18 और 8 बचा हुआ 9 × 9 = 81 10 × 29 49 कितने बार में कटेगा 10 × 29 49 से काटना है तो 7 से काटिए ना एक बार, 7 से काटिएगा तो दिख जाएगा, काहे कि 49 से कई बार डायरेक्ट नहीं करेगा 49 से तो 7 से काटिए या यहां पर आपको अगर डायरेक्ट काटते हैं तो पहले लगेगा कितने बार में 2 बार में 49 × 98 हुआ 102 डायरेक्ट काटेंगे तो यह लगेगा और वो एक बार में लगेगा फिर 21 बार में कट जाएगा, सही है क्या, अरे क्लियर है 21 बार में कटेगा क्या, तो 147 बार में 7 से कटता होगा और फिर 7 147 को काटिएगा तो 21 बार में कट जाएगा, तो यहां से डायरेक्ट 21 बार में इसको काटिए फिर गुना कर दीजिए और रिजल्ट मिल जाएगा आपका 21 × 5 = 20 4 × 2 = 8 8 × 8 = 16 168/00 50 × 100 4 × 2 = 8 और 8 से काट दिया 16,800। लेकिन इसको चीजों को चूंकि बार बार एक ही वोट घट रहा है तो इसको सक्सेसिव पर भी बना सकते थे, कैसे सक्सेसिव पर बनाते हैं, देखिए जी मानते हैं कि कुल वोट कुल पहले वाला कुल और फिर अंतिम में जो लिखते हैं कि एक उम्मीदवार को क्या मिला, एक मतदाता को सॉरी एक कैंडिडेट को, क्या आंसर आया है ये समझ में आया, मैं डायरेक्ट सक्सेसिव पर बनाता हूं, टोटल 16,800 मतदाता थे वोटर लिस्ट में, समझ में आ रहा बात, टोटल निकल गया कुल माने, हमने यहां मान रखा था कि कुल मतदाता कौन सा, कुल मतदाता वोटर लिस्ट में, कुल मतदाता वोटर लिस्ट वाला कुल मतदाता, ठीक है, अगर इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, आपको सक्सेसिव लगा देना है, सक्सेसिव में प्रारंभ में जो था सो रहता है और अंतिम में जो निकलता है वो निकलता है बाबू, जो अंतिम में निकालना होगा यानी कि अंतिम में जो बचा होगा वो घटते घटते वो अंतिम में बचा है एक उम्मीदवार को मिलने वाला मत, तो कैसे निकालेंगे भाई, शुरुआती में 4 से 3 हुआ होगा क्योंकि 75% का मतलब होता है या 25% कमा है यानी कि 4 से 3 हुआ है,
98% 49 से कितना आया होगा, 49 से आया होगा, सॉरी 50 से आया होगा 49, और फिर ये 4 से आया होगा 3, यही चीज हुआ होगा। क्योंकि आपको पता है कि 25% ना डाले गए, है ना, 75% डाले गए, तो 25% इनवैलिड हुए, यानी 25% कमा है, फिर 2% कमा है, और फिर आपका फिर से 25% कमा है, यानी कि 75% लिखेंगे, 75% को 4 से 3 लिखते हैं, 2% को 50 से 49 लिखेंगे, कमेगा तब, 98% को 50 से 49 लिखेंगे, और 75% को 3-4 से 3। मुझे लगता है कि यही वाला ठीक है, आप वही पर आधारित है। इसको हालांकि गुना करने में, कैलकुलेट करने में आसान होता है, लेकिन यहां पर कट नहीं रहा था तो डायरेक्ट गुना करना पड़ ही जाता आपको, और कैलकुलेशन उतना ही पड़ जाता, यानी कि चर्चों का 16 बचे 80 और 800 हो जाता है यहां पे, और यहां पर 3 9 9 81 और 9 4 36 8 36 8 सही है क्या, 21 21 है, 441। अब 441 है, सो था कौन सा, 9261। तो भाई देखिए 21 बार में कट रहा होगा, यानी कि यहां पर अगर बनाते हम इस मेथड से, बनाते हम इस तरह से बनाते तो आपको ऐसे बनता, वही चीज है, सेम चीज है, इसमें कोई ज्यादा का अंतर नहीं है। ये अब लिखते कि भैया ऐसा है कि 441 है जो अंतिम में बचा है, वो था 9261, तो हमें निकालना है कुल, तो निकाल देंगे 800। तो बात एक ही होता है कहीं ना कहीं मिला जुला कर, ठीक है, लेकिन सोचना है कि सवाल में कह क्या रहा है, सवाल में बोल क्या रहा है, ये बहुत जरूरी होता है आपको समझना। अगला सवाल देखते हैं, मुझे लगता है कि दोनों तरीके से आपको समझ में आया होगा, x से बोल रहे थे, x पर बना है, और x से कुछ नहीं है, केवल समझना है। सर 100 पर कैसे बनाते हैं, 100 पर भी बनाते हैं, जटिल थोड़ा सा समझ में आता, क्योंकि आपको एकदम दिख रहा है कि x था कुल मत, उसमें से 75% डाला गया, उसका 98% वैध रहा, उसमें से 75% एक को मिला, तो क्लियर है बात, बाकी जो मिला 9261 है, क्लियर है ना, मुझे लगता है कि स्पष्ट हुआ है बात। आगे देखते हैं सवाल, मिटाता हूं इसको, जिनको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होता है ले लिया करें, या फिर वीडियो आपके पास उपलब्ध ही रहता है, अभी अनलिस्टेड कोई वीडियो नहीं किया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए और बढ़िया से केवल समझते रहिए। एक फायदा है वैसे इसका, हालांकि फायदा गिनाना क्या है, ऑफलाइन का मतलब ही कुछ और होता है, लेकिन फिर भी हर नेगेटिव, हर मतलब हर सिचुएशन में अपने आप को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ा सा बेहतर सोच के चलना होगा। ये देखिए पिछले जो भी बच्चे पिछला लॉकडाउन में नहीं बढ़िया से किए, उनको भुगतना अभी पड़ रहा है बाबू, और आपका उनका तो कुछ नहीं था, उनका तो अंतिम हो रहा था एक तरह से, अभी आपका शुरुआत है, और इसीलिए मैं मतलब हर मुझे डॉक्टर अपॉइंटमेंट बार बार बोल रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं जब था ऑफलाइन उसी था समय में, लेकिन मैं आप लोग को रेगुलर रहने रखने के लिए अभी डॉक्टर का जो अपॉइंटमेंट है उसको टाल रहा हूँ। शायद मैं सरस्वती पूजा के समय में जो छुट्टी होगा उस समय हम चेकअप करवाएंगे, एक बार जाना है बेलौर वगैरह, तो मैं आपसे इसलिए बस ये प्रयास कर रहा हूँ, इतना सारा मेहनत चल रहा है ताकि मैं आपको कम से कम कंटिन्यू रख सकूँ, ठीक है। सो प्लीज ये जो कर रहे हैं हम, ऐसे बहुत सारे कोचिंग हैं जो कि आपको पेमेंट है और वो लोग नहीं करवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनके पास सुविधा नहीं है, नहीं करवा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सुविधा है और मैं अगर, और हालांकि मेरा तबीयत खराब रहता है आप जानते हो, और इस सिचुएशन में मुझे आराम करने का एक अच्छा मौका था मेरे पास, लेकिन प्लीज ये जो आपके लिए ये किया जाता है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपके आपसे साथ रहूं, जुड़ूं, क्योंकि आप जिस दिन लगातार थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रह गए हर दिन, तो कंटिन्यू रह गए, तो मुझे फिर से मतलब जोड़ने में आपको ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। सो प्लीज कंटिन्यू रहिए, और हाँ आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितना कुछ पढ़ाए हैं अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से पढ़ा देंगे, लेकिन बात है कि बाबू बढ़ते रहना है। कहता है बहुत लोगों ने बड़ा रिसर्च करके कहा है कि तुम चल सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो कम से कम जी लड़खड़ा के चल रहे हो तो वैसे ही चलो, नहीं हो सकता है तो लेट कर ही चलो, बढ़ो, रेंगो, रेंगते हुए चलो, लेकिन रुको मत। सो प्लीज रुकिए मत, चाहे हालात आपके साथ कुछ भी हो, आपको चलना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर आप बढ़िया से सोच लियो कि रूटीन रूप से पढ़ना है, तो हमेशा से लगता है कि हाँ आज पढ़ेंगे, आज ये चीज पढ़ेंगे, आज ये, और नहीं तो छोड़ देते हो ना, थोड़ा सा कॉपी किताब छोड़ के देखना एकदम फ्री हो जाते हो, और फिर जो कुछ भी पढ़ पाते थे सचमुच वो भी छूट जाता है।
हालांकि मैं जानता हूं कि YouTube में देखने, मेरा वीडियो देखने के लिए अगर आप लोग निकालते होंगे तो तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते होंगे कि भी देख लो आया है बढ़िया गाना खेसारी लाल के, तरह तरह के गाने भी आ जाते होंगे, तरह तरह के लिंक आपको आ जाते होंगे जिससे कि अब देखना है, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी आपको अगर सचमुच ध्यान है अपने करियर का, आप करियर शुरू होने से पहले ही खत्म ना होने देना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू रहें, मैं भी आपका भरपूर साथ दे रहा हूं। ठीक है, करता हूं अगला सवाल। सवाल 76, शायद मैं ये सब करवा दिया लेकिन फिर भी मैं एक बार देखना चाहता हूं कितने लोगों का आंसर क्या क्या आ रहा है। ये बता दिया गया है बाबू, तो आपके सामने क्वेश्चन है, एबीसी का आंसर दीजिएगा सब लोग बनाकर, जितने लोग जुड़े हुए हैं ये प्रैक्टिस हो जाएगा, पिछले क्लास का जो भी था उसका हम ये प्रैक्टिस हो जाएगा। सवाल देखिएगा, बनाइएगा इसको। सवाल है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, सॉरी एक व्यक्ति 45% व्यक्ति हॉकी खेलना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति, और पहले वाला जो बनाया हुआ है उसको देखकर नहीं बाबू, अपने से अभी बनाएं, 45% व्यक्ति हॉकी खेलना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और 45% टेनिस खेलना पसंद करते हैं, 25% दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। बनाइए इसको, हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलना पसंद करते हैं, 20% क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलना, 15% टेनिस और हॉकी दोनों खेलना पसंद करते हैं, 5% तीनों खेलना पसंद करते हैं। बताइए, एक साधारण सा सवाल जो कि तीन वेन डायग्राम से बनता है। पहला सवाल है कितने प्रतिशत कोई भी खेल नहीं पसंद करते हैं, बी है कितने प्रतिशत लोग किसी केवल हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तीसरा है कितने प्रतिशत लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलना पसंद करते हैं। मैं शायद किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है, देखिएगा मैं बता रहा हूं। ए का आंसर 15%, बी का आंसर 10%, सी का आंसर 15%। मुस्कान सिंह लिखे हैं, मुस्कान सिंह का आंसर आया है ए 15, ए 15। देखिए जिस तरह से मुस्कान लिखे हैं, ए का 15%, बी का 10%, सी का 15%, उसी तरह से सब लोगों का जवाब होना चाहिए। इंद्रजीत भी लिखते हैं ए का 15%। प्लीज कमेंट करके अपने आंसर की पुष्टि करें, और सभी लोग, मुझे विश्वास है कि सब लोग बनाने का प्रयास कर रहे होंगे अपना। देखिए अभी यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है सो हॉकी खेलने वालों की कुल संख्या है, अगर मैंने कुल 100 माना है तो हॉकी वालों का 45% लेना होगा ये, और क्रिकेट वालों का, क्रिकेट खेलता है कितना 50 लोग, और टेनिस खेलता है टोटल 45% है कि नहीं। और हम बताए थे कि इसमें सबसे पहले लिखेंगे, जानते हो किसको, सबसे पहले इसमें लिखना है जो तीनों खेल खेलता है, और तीनों खेल खेलने वाला था 5 लोग तीनों खेलते हैं, तो 5%, 5% का मतलब 5, क्योंकि हमने कुल माना है 100, 100 कुल मानेंगे तो जितना बोलेगा उतना। उज्जवल कुमार लिखते हैं 15, 10, 15, और दीपू कहते हैं 5% कोई खेल नहीं पसंद करता है, ऐसा बोल रहे हैं, 5% तीनों खेल खेलना पसंद करता है ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये कहते हैं कितने लोग केवल हॉकी खेलना, कितने लोग
दोनों खेलना पसंद करते हैं, कितने कोई भी खेल नहीं पसंद करते हैं, तो कहते हैं कि 5% कोई खेल देखते हैं। स्वीटी एक 15, महेंद्र कुमार, मनीष कुमार, विवेक कुमार, तमाम लोग, वाह। मिशन CHSL A15 B10 C15, राणा हिमांशु सिंह A15 B10 C15, इंद्रजीत A15 B10 C15, यानी कि जिनका वेन डायग्राम बन गया होगा, तीनों सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, वाह वेरी गुड। तो ध्यान दीजिए, आपको तीनों पहले ड्रॉ करना है, फिर जो ये देता है दोनों पढ़ने वालों की संख्या उसको भी लिखना है। दोनों पढ़ने वाले यानी सॉरी दोनों खेलने वाले, दोनों खेलने वाले हॉकी और क्रिकेट, दोनों खेल खेलने वाले हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले पहले दे रहा है दोनों, कौन सा 25% लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट दोनों 25, तो ये वाला हुआ होगा 20, क्योंकि तब ना 20 और 5 25, ये 25 हो रहा है ना, तो 20 लेना होगा उसको, ठीक है। हॉकी और क्रिकेट, देखो ये हॉकी वाला था, ये क्रिकेट वाला था, अब हॉकी और क्रिकेट का हम लिख लिए। अब यहां पर 15% टेनिस और हॉकी बोल रहा है, 15% टेनिस और हॉकी, तो टेनिस ये रहा और हॉकी ये रहा, और 15 ये दोनों का डायग्राम जो कॉमन डायग्राम है, ये जो ओवरलैप कर रहा है ये वाला, ये होना चाहिए 15, तो जिसमें कि 5 पहले ही से है, तो यहां पर लिखना होगा 10, समझ रहे हैं बात को, 10 लिखना होगा, क्लियर है। और अगर 10 लिख लिए, अब देखो बच गया कौन सा, क्रिकेट और टेनिस, 15% टेनिस और हॉकी पसंद करते हैं, 20% क्रिकेट और टेनिस करते हैं, 20% क्रिकेट और टेनिस, एक और दे रखा है 20% क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, क्रिकेट और टेनिस 20%, तो 20% ये वाला दोनों का हो गया ना ये, तो 20% में से 5 तो ऑलरेडी है, तो यहां पर लिखेंगे 15 ही, ठीक है। और अब आपको देखिएगा तो डायग्राम पूरा बन गया है भाई, अब आपको जोड़ना है बस कि सब कुल कितने खिलाड़ी लोग हैं, कितने कुल लोग कुछ कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, कितने लोग कुल टेनिस या क्रिकेट या हॉकी कोई भी चीज पसंद करते हैं, खेलते हैं, कितने लोग हैं टोटल, कितने लोग टेनिस या क्रिकेट या हॉकी या दोनों या तीनों, दोनों दोनों तीनों खेलते हैं, यानी कि सभी खेलने वाले लोग कितने लोग खिलाड़ी लोग हैं, कितने लोग कुल खिलाड़ी हैं, कुल कितने लोग खेलते हैं, यहां पर लिखना चाहिए कुल कितने लोग खेलते हैं, तो कितने लोग खेलते हैं भाई, देखो ये वाला तो टोटल आपको कितना 50 हो ही गया होगा, ये पूरा 50 हुआ ना, 15 5 20, और ये कितना बच जाएगा यहां पर 15 5 20 20 40, तो ये 10 बच गया होगा, और आपको ये 20 और 10 30 5 35, तो ये हो गया होगा 10, और ये 15 5 20 10 30, तो 30 तो 15 हो गया होगा, ये क्लियर है। और ये टोटल आपको दिख रहा होगा कि ये 50 हुआ होगा टोटल, तो 50 हुआ होगा, तो मैं इस सबको जोड़ लेता हूं, या फिर सबको जोड़, देखिए जोड़ना आसान है, 20 10 20 10 30 30 20 50 50 और 20 50 20 70 और 70 और 15 85, यानी कि 85 लोग खेलते हैं कुछ ना कुछ, या फिर ऐसे जोड़ना टफ लग रहा था तो देखो ना ये वाला तो पूरा 50 है ही है, अरे ये पूरा 50 है ना, 50 10 60 10 70 70 15 85, यानी 85 लोग 100 में से 85% यानी 85% यानी 100 में से 85 लोग क्या है, कोई ना कोई खेलते हैं, तो कोई खेल ना खेलने वाले लोग, कोई खेल ना खेलने वाले लोग, कोई खेल ना खेलने वाले लोग 100 माइनस 85 बराबर 15, 100 माइनस 85 बराबर 15, 15% कोई खेल नहीं खेलते हैं। हमने क्यों 15 को 15% बोला, क्योंकि हम मान रखे हैं कुल कितना 100%, तो 100%, फिर कहता है बी, फिर ये कहता है आंसर बी का, देखिएगा क्या है, बी कहता है कि कितने प्रतिशत लोग, बी देखिएगा बी कितने प्रतिशत लोग केवल हॉकी खेलना पसंद करते हैं, केवल हॉकी वाला तो यही है भाई, यही जो है केवल हॉकी खेलने वाला, ये देखो केवल हॉकी वाला है, तो केवल हॉकी खेलने वाले लोग 10% है,
सही जवाब था सबका। और तीसरा सी का बोलता है कि कितने प्रतिशत लोग, सी का दोनों, कितने प्रतिशत लोग क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलना पसंद करते हैं। यहां पर क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलना, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलना, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलना, तो यहां पर 15 और 5 20 आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही लग जाएगा यहां पर, अगर कितने प्रतिशत लोग केवल, यहां पर वर्ड जुड़ जाएगा जैसे ही क्या, केवल, तब इसका आंसर होगा क्या 20 के जगह पर 15%। केवल जुटने पर 15% आंसर होगा बाबू। इसका मतलब कि आप पिछले क्वेश्चन के अनुसार ही आंसर दे दिए। यहां पर लास्ट वाला था कितने प्रतिशत क्रिकेट और टेनिस दोनों, क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाला, तो पहले ही लिख रखा है कि 15% टेनिस और हॉकी, सॉरी 20% टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो उसका आंसर तो 20 होना चाहिए था। लेकिन इसमें वर्ड एक रहता है छूटा हुआ यहां पर, केवल, अगर केवल वर्ड रहता तब ऐसा होता। सो प्लीज आप आंसर अपना सोच समझ के दिया कीजिए, जिस तरह का प्रश्न होता है। सो आपको कंपटीशन में जो कंपटेटिव एग्जाम होते हैं वो किस बात की देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपको मैथ्स कितना आता है, वो तो खैर देख ही लेते हैं आपको, चूंकि कितना आपने एकेडमिक ढंग से किया है। दूसरा चीज बहुत खूबसूरत चीज वो चेक करते हैं कि आप स्टेटमेंट को कितना बढ़िया से पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शन होगा ऑफिस का वर्क में, जो भी सूचना होगा, उसको आप ढंग से रीड कर पाएंगे। यदि आप यही बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं तो आपका 2 नंबर कट जाएगा और आपको सत्यापित हो जाएगा कि आप बढ़िया से स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं। इसलिए ये चेक करता है कि आप कितना बढ़िया से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अगर यहां पर दे रखा था कि दोनों खेलने वाले, तो कुल जो दोनों खेलने वाले थे 20% आंसर बताना चाहिए था आपको। लेकिन यहां पर वर्ड लग जाएगा केवल, तब फिर आएगा ये वाला कि अच्छा अच्छा ये वाला की बात कर रहा था केवल, क्योंकि 20 में तो 5% भी शामिल होना चाहिए ना दोनों खेलने वाले में। अगर दोनों खेलने वाले में 5% शामिल होना चाहिए था, लेकिन केवल बट जुट जाएगा तो वो 5 जो कि तीनों खेलता था वो हट जाएगा और 15% टेनिस और क्रिकेट खेलने वाला दिखेगा आपको। आई होप कि जो समझा रहे होंगे वो बिल्कुल समझ में आपको आ रहा होगा। लेकिन अब केवल बट जोड़ दिए तो आंसर हो जाएगा 15%। मुझे लगता है कि आपको बात स्पष्ट हुआ है। अगला देखते हैं, मिटाऊं क्या, ये समझ गए सब लोग, समझ गए सब लोग क्या? मुझे लगता है क्लियर हुआ है। तो ये क्वेश्चन करवा दिया गया था बाबू, और मुझे लगता है कि ये टाइप्स हो गया था। फिर आपको था बचा हुआ क्वेश्चन टाइप्स, देखिए अगले पेज में जो है एक्सरसाइज था, फिर एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज में कहां तक सॉल्यूशन हुआ था जरा कमेंट करके बताएं, कहां तक सॉल्यूशन हुआ था एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर कहां तक सॉल्यूशन किए थे हम, एक बार जरा बताइएगा कमेंट करके सब लोग, एक्सरसाइज में सॉल्यूशन कहां तक हुआ था। वेरी गुड रणधीर कुमार, सतरंजन, मनीता, विवेक कुमार, दीपक कुमार, मनीषा चौहान, मंटू राज, एसएससी लवर, ऑफलाइन क्लास कब तक ओपन होगा सर? सरकार के आदेशानुसार ये डेट जो तय हुआ है वो उसका डेट टाइम बढ़ गया है और ये शुरू होगा अब आपको 6 तक। उम्मीद है कि सरस्वती पूजा मनाकर आपको, सरकार भी सोच रही है कि इधर ठंड काफ़ी पड़ रहा है और सरस्वती पूजा की इधर छुट्टी है, तो 5 दिन तो लड़कन उधरे रहेगा, तो इसीलिए लगता है कि दिया गया है। 11 तक हुआ था, हिमांशु कह रहे हैं टाइप 1 का 11 तक, कोई कहते हैं 12 तक, कोई कहते हैं 8 तक, सब एक ही बैच के लोग हैं क्या? जैकी कुमार, सुरेंद्र कुमार, अतीश कुमार, मिस्टर पवन, जिनको पता है केवल वही बताएं, 12 का संख्या ज्यादा, 12 तक, तो मुझे लगता है 12 तक हो गया था। पूजा कुमारी, नरद यादव, गुड मॉर्निंग, पंकज कुमार, चंदन, विवेक, टाइप 1 का 12 तक, ठीक है 12 तक देख लिए हैं, इसका मतलब कि मुझे 13 से देखना है, तो आइए 13 से देखते हैं, 13 से क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 2 का 13 से क्वेश्चन देखिएगा। सवाल आपके सामने है 13 क्वेश्चन नंबर, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां पर हमें करना होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं होगा कि कौन बच्चे को कितना
समझ में कौन सा क्वेश्चन नहीं आया और वैसे क्वेश्चन लेते रहेंगे बहुत लेट हो जाएगा कमेंट से, तो मैं क्या करूंगा कि हर एक सवाल का सोल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। आइए तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं। देखो एक बात बोले तो दूसरा बात स्पष्ट हो जाता है, 32% महिलाएं हैं हालांकि 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, यानी कि 3 महिलाएं पुरुष और बच्चों में डिवाइड किया गया है जो समारोह में शामिल हो रहे हैं, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, समारोह में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से 3 तरह के लोगों में डिवाइड किया गया है, महिलाएं पुरुष और बच्चे। अब देखिए अगर कुल संख्या मान लिए 100, कुल संख्या मान लिए कितना 100, तो पहले क्वेश्चन को बढ़िया से स्टेटमेंट रीड करना है बढ़िया से, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं 54% पुरुष है, हालांकि अब महिलाओं की प्रतिशतता ज्यादा रहता है, डांस भी महिलाएं ही धंजिया उड़ा के करती हैं, लेकिन 32% महिलाएं केवल पार्टिसिपेट हुई हैं, 54% पुरुष हैं और 196% बच्चे हैं, बचपन 196% नहीं बच्चे 196 हैं उस विवाह में, समारोह में पुरुष कितने थे भाई साहब, अगर 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष, तो महिलाएं वोमेन की संख्या 32 हो गया होगा, क्योंकि हमने माना है 100 तो 32% 32 और मैन यानी 54% यानी 54, तो बच गया कितना भाई 4 2 6 5 3 8 86%, तो ये दोनों हो गए, यानी 100 में से जो बच्चे बच्चों की संख्या बचा होगा 100 में, 100 मैंने कुल माना है 100 को, तो 100 में बच्चों की संख्या यहां पर होगा आपको देखिएगा, तो माइंड ही में मन ही मन घटाया करें इसको, जवान से ही डायरेक्ट घटा देना है, यानी कि आपको हो जाएगा 14% है कि नहीं, और 14 दिया हुआ है यहां पर कितना 196, सो आप लिखिएगा दिस 40% इज इक्वल टू 196, देन वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन समारोह इन पार्टी, तो देखिए सेरेमनी में कितने लोग पार्टिसिपेट किए ये देखना है, तो टोटल 100 माना था हमने तो 100 दिखा लेंगे, कुल पार्टिसिपेट किए समारोह में 14 से कटेगा 14 बार में और ये टोटल संख्या होगा 1400। आई होप कि ये बात स्पष्ट हुआ होगा, 1400 क्या पूछ रहा है, तो समारोह में पुरुष कितने परसेंट है, मुझे पुरुष निकालना है तो मैं कुल क्यों निकालूंगा भाई साहब, अगर मुझे पुरुष निकालना है तो मैं यहां लिखूंगा पुरुष और लिख दूंगा पुरुष के जगह पुरुष का प्रतिशत, पुरुष का संख्या कितना था 54, मैं डायरेक्ट निकालूंगा 54 और 54 गुना करेंगे तो 14 4 56 और 14 25 70 756, आंसर हो जाएगा कौन सा ए इसका, सभी लोगों का आंसर ए होगा 756, वेरी गुड, मेरे साथ बनाया करें। देखिए बाबू कुछ लोग कुछ बच्चे अगर बना भी लिए होंगे ना घर पर, आज हम मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, मान लीजिए कि देखिए पहले मौका मिलता नहीं था क्लास में आपको प्रैक्टिस करने का, अभी तो देखो हर चीज को हर जहां पर भी सिचुएशन आपके नेगेटिव विपरीत जाए वहां पर से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजों को ढूंढने का प्रयास करें, यकीन मानिए हताशा बहुत है लेकिन खुशी के भी अवसर मिल जाएंगे, ये तय बात है, तो आप अपने आसपास में जितना नेगेटिविटी फैला हुआ है उसमें से आप अपने पॉजिटिव चीजों को साथ में लेकर चलें, यही यकीन मानिए अगर नेगेटिविटी में घिर गए आप तो बड़ा बुरा हो जाता है बाबू, और अगर पॉजिटिव को उठा लिए तो ऊपर वाले भी देखते रहता है कि आदमी तो खतरनाक है भाई, इसको लास्ट कष्ट दिया गया लेकिन उसमें भी वो उसने हर तरह से जीने का तरीका, हर तरह से मेहनत करने का तरीका, हर तरह से पढ़ने का तरीका, हर तरह से आगे बढ़ने का तरीका ढूंढ निकालता है, तो फिर वो आपके रास्ते में कोई बाधा नहीं रह जाएगा जीवन में, यकीन मानिए इस बात का मैं कई बार इस बात को महसूस किया, आपसे ज्यादा परेशानी तो जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनको है यार, सारे पैसे आने बंद हो गए हैं, रेंट लग ही रहा है, खर्चे कमते नहीं है, ठीक है अच्छा तो आप लोग समझिए इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर देता है टीचर, आज 3 साल से तकरीबन 2018 के बाद 19 के बाद से हर एक शिक्षक उस तरह से लय में नहीं है, बेचारा कमा रहा लगा रहा है किसी तरह से जीवन बचा रहा है वो, सो ऐसा नहीं है, अगर आपको शिक्षक सब साथ दे रहे हैं और आप भी जानते हो कि गया का मार्केट कितना बड़ा है, ऐसा नहीं है कि मैंने YouTube पर बहुत पढ़ा रखा है या फिर YouTube से पैसे आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐप पर हमने बहुत सारा ये कर रखा है, सो ये सामान्य शिक्षक अगर आपके साथ जुड़कर काम करने का प्रयास करते हैं, पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, तो आपको क्या करना है, आज सॉल्यूशन जो हम दे रहे हैं
उसमें आपको पैकेज बना भी लिए हैं तब भी हटा दीजिए पैकेज को, बनाए हैं सो, और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। मानो कि मैं आपको चेक कर रहा हूं कितने लोगों का आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं कि पहले वाला आंसर देख के और बता दीजिए तुरंत, नहीं, आप अभी प्रॉपरली निकालिए, रफ कीजिए, मैं क्वेश्चन स्लाइड करते जाता हूं आपके लिए और बता देखता हूं कितने लोग उसका सही सही जवाब दे पाते। अभी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, मानो कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। सवाल अगला देखते हैं, इसको समझ गए कि नहीं सब लोग, कुल मानेंगे। देखो इसी दिमाग में इतना लिखे हैं ना हम, उसको तुरंत सोचते कि भाई साहब अगर मैं 100 मान लेता, कुल मानता 100, तो 32 उसमें से कौन थे, 32 थी महिलाएं, 32 महिलाएं थे और 54 पुरुष, तो 4 2 6 5 3 8 86 लोग हो गए ये लोग दोनों मिलके, तो 86 तो बाकी 55 16 है ना, तो 16 बराबर हो गया कितना 196। हमको निकालना कितना है भाई साहब, हमको महिलाओं की नहीं पुरुषों की संख्या। अच्छा, कमर्शियल मैथ्स में खास बात है कि या किसी क्वेश्चन में अंतिम लाइन जरूर पढ़े कि क्या निकालना है, अंतिम लाइन में घबराहट नहीं है ना कि 100 निकालिए। पुरुष विवाह में कितने पुरुष शामिल थे, पुरुष थे इसमें शामिल 54 निकल जाएगा, इतना ही सा सोचना था बाबू, लेकिन हम आपको इसको डिटेल करके इतना ढंग से डिस्कस किए हैं, लेकिन सोचना बाबू एग्जाम में इतना ही है। आई होप की बातें क्लियर हुई होंगी। सवाल देखिएगा, जब किसी व्यक्ति संख्या में के 75% में 75 जोड़े तो उत्तर संख्या है, तो संख्या है तो संख्या का 40% क्या है, 75% में 75 जोड़ेंगे तो संख्या वही है, तो भाई क्या होगा। 14 का आंसर बता रहे हैं, पहले ही से बना कर ना रखें, मेरे साथ बनाएं। सुरेंद्र कुमार 14 का सी, विवेक कुमार 14 का ए बताते हैं। राहुल कुमार कहते हैं सर क्वेश्चन 12 बताइए ना बाबू, क्वेश्चन 12 नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं, 12 तक हो गया था शायद, मैं देखूंगा फिर से अगर समय मिलेगा तो, या फिर हाँ क्वेश्चन सुरेंद्र कुमार 14 का सी, राहुल कुमार प्लीज, अच्छा सुरेंद्र कुमार 14 का सी, सर 12 को बताइए ना, 12 को बताते हैं, ठीक है। बहुतों का राहुल का केवल आ रहा है, किसी और का 12 नहीं बनाए तो पूछिएगा। अमित एक का, महेंद्र कुमार, मनीता कुमारी, रोशन कुमार ऑफलाइन, विश्वकर्मा ए, शशि रंजन 14 का 120 आंसर आ रहा है, यानी कि जो कि ए में है, ए भी लिख सकते हैं आप। मनीता का है सी, राजा का सी है, क्वेश्चन जिनको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा वो जरा सा देखिएगा, ध्यान दीजिए, जब किसी संख्या में 75, बढ़िया से सुनिएगा, जब किसी संख्या में 75% में का संख्या के 75% में 75 जोड़ेंगे तो भाई उत्तर संख्या मिलेगा, मतलब कि ये 75% में 75 जोड़े तो संख्या मिल गया, यानी कि 100% मिल गया। अरे पचास संख्या के 75 में 75 जोड़े, 75% जोड़े, 75% पहले ही से था संख्या, कोई संख्या था 100, कोई संख्या था उसका 75% पहले ही से था और उसमें 75 जोड़े तो संख्या मिल गया, इसका मतलब कि 25% कम रहा था वही जोड़ा गया, यानी कि जो 75 जोड़ा गया वो 25% था। नहीं सुने होंगे तो फिर से सुनिए, कोई संख्या है उसका 75% में 75 जोड़ दिए तो संख्या मिल गया, यानी कि किसी संख्या में का 75% में कितना जोड़ेंगे कि संख्या मिलेगा, 75% पहले ही से है तो 25% जोड़ेंगे ना, 25% जोड़ेंगे तब ना 100% संख्या होगा, और 25% ना जोड़ के कितना जोड़ा है ये 75 जोड़ा है, सो वी कैन से 25% इज 75, सो व्हाट इज 40%, 40% इज 120। अरे समझ पा रहे हो बात, 25% अगर 75 है तो 40% कितना, ऐसे भी लिख सकते हो 25% का मतलब 75, ये समझ में आया क्या, तो 40% का मतलब कितना, तो 40% का मतलब है या 75/25×40, ये नहीं समझ में आता तो ऐसे लिखिए, सर मजा नहीं आया एक्स पर बताइए, यस सपोज नंबर इज एक्स, पहले 100 पर बताइए सर, 100 पर भी ऐसे ही बनेगा,
एक्स पर बताइए, माना संख्या एक्स है, एक्स का 75% में 75 जोड़ दिए, 75 जोड़ दिए तो मिल गया भाई साहब संख्या, ठीक है, संख्या मिल गया। तो 75% क्या होता है पता है, 3/4 होता है ये, और प्लस 75 और बराबर एक्स है, तो 3/4 में से एक्स घटाएंगे तो 1/4 मिल जाएगा, इधर घटाइएगा तो ये 1/4 मिलेगा और ये मिलेगा 75, तो एक्स बराबर मिल जाएगा जानते हो कितना, 300। और एक्स का 40% निकालिएगा ना तो 300 का 40% दिखेगा आपको, और 300 का 40% 120 होता है। सो आप ऐसे समझिए, ये कीजिए आप डायरेक्ट, या तो इतनी सी बात करके समझदारी से इतनी सी बात करने आ जाए आपको कि अगर 75% पहले ही से संख्या था और उसमें 75 जोड़े और पूरा संख्या मिल गया, यानी कि 25% जोड़े होंगे, 25% जोड़ने पर 75% में 25% जोड़ने पर ही संख्या मिलेगा, यानी 75% में 25% जोड़ने पर संख्या मिला है, इट मीन्स 25% इज 75, 25% जोड़े पर, तो 25% 75 है, ये जो जोड़ा गया है 50, ये कोई और नहीं है 25% है, क्यों, क्योंकि 25% और 75% 100% होता है, सो 25% इज 75, आपको लगता है इतना बार बोला गया कि समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं, ए आंसर आ गया। सवाल लिखिएगा अगला, ये एक्स पर है, आपको जिनको लगता है कि एक्स पर बनाना है एक्स पर बनाइए, लेकिन मुझे लगता है कि आपको वैसे बनाना चाहिए। या फिर कितने लोग मानते हैं कि संख्या माना 100, यस मान लीजिए ना संख्या 100, उसका 75% बराबर कितना, 75% संख्या का 75% कितना, तो 75% तो 75 हो जाएगा, और 75 घटा तो बचा कितना, 25, यही वाला ना 25 जोड़ा गया है, यानी 25 बराबर कितना है 75 है, गुने 100, कितना घबरा जाता है कि ये वाला 75, ये वाला 75, ऐसे कैसे 75, और यहीं पर फंस जाता है। आपको समझना है कि भैया ये 25 25 से है ना ये सब सब, पर 100 के रेस्पेक्ट में है तो प्रतिशत में है ये सब सब, लेकिन ये जो 75 जो है ये सो रियल है, इसलिए 25% बराबर 75, तो निकालना है 40%, तो 40% रखिए, अल्टीमेटली बात वही आता है। लेकिन कहीं कहीं पर लड़का बच्चा ये जब 100 मानता है उसको शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि कैसे मान रहे हैं, बस टीचर जैसे बताता है, तो याद रखिए पहले तो एकदम ऐसे लिखे 25% बराबर 75, 40% बराबर कितना, और नहीं तो एक्स मानिए, कोई एक्स में बुराई नहीं है, आपका एक्स जो है वो बचपन है, बचपन को ना भूलें, बचपन को याद रखना है, बचपन का एक्स जो है सो हमेशा मुसीबत में आपके काम आता है, सो रिमाइंड योर एक्स। सवाल अगला है आपके सामने, और शायद बहुत लोगों को यह पता ही होगा, क्वेश्चन है आपके सामने कि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, अ नंबर इज अ नंबर ऑफ 30% इज इक्वल टू 40% ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है, दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है, दोनों संख्याओं का, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, ठीक है, और दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 है, तो उन दोनों संख्याओं की छोटी संख्या कौन है, ये सब सारा आपको एकदम तिकड़म जो है वो क्या कह रहा है इसे देखिएगा। एक संख्या मान लीजिए पहला संख्या का 30% है, सो बराबर है जानते हैं दूसरी संख्या के 40% के, तो भाई 40% के तो देखिए ना ये प्रतिशत से प्रतिशत उड़िया रहा होगा ये, और पहला और दूसरा का अनुपात जो इसका अनुपात है भाई दूसरे के साथ है वो पहला का है, और जो पहला के साथ है वो दूसरा का है, जो जेकर साथ है वो करना है, आपको कई बार बताया गया है कि ऐसे बराबर में जो जिसके साथ है उसका नहीं है, इसे ये स्थितियों के अनुसार लोग साथ में और हटते उठते हैं, अगर आप परिपक्व हैं, आप प्रबल हैं, आप मजबूत हैं, आप कमजोर नहीं पड़ रहे हैं, यकीन मानिए दुनिया आपको साथ देगा, अगर आप कमजोर पड़ गए जो साथ है वो किसी और का है, भूल जाइए कि आपके साथ कोई है, ठीक है, हमेशा से लोग मजबूत लोगों को ही साथ देते हैं, तो जो जो ऐसे भी सोचिए जो जेकर साथ है वो उसका ना है भाई, तो काटिएगा तो ये हो गया आपका 4:3,
4:3 को आप जानते हो क्या मानो, इसको 40:30 रहने दिए देते, 40:30 रहने देते, या फिर इसको मान लीजिए 4:3 अनुपात आया ना, इसका अनुपात कितना आएगा 4:3। आपको कह रहे ना कि उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% कितना 420 है। आप तो छोटी संख्या क्या है, मैं क्या करता हूं कि दोनों संख्या को ऐसा मान लेता हूं जिसका प्रतिशत निकालना आसान हो, इसको मान लेता हूं 400, इसको मान लेता हूं मैं 300, और दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, योग होगा 700, और 700 का 25% कितना है, 700 का 25% बराबर 175 ना, 175 420 है, 175 420 है। अरे 700 का 25% कैसे निकाल दिया सर, 175 देल है यहां पर, सॉरी यहां पर मेरा निकल के आ रहा है कितना, 25 का यह 100 से 100 के संत 25 से 175 ऐसा आ रहा है, 25 से गुना करके डायरेक्ट, तो 175 420 है। हमको निकालना है छोटी संख्या, वी हैव टू फाइंड छोटी संख्या, दैट्स व्हाई 300 लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। काटिएगा तो ये मिलेगा क्या, काटेंगे तो इसको मिलेगा 7×42 60 बार में, 7×2 14, 7×5 35, और 25×4 4×3 12, 12×6 72, 720, सभी का 720 आ रहा होगा, सी 720, 720 राहुल कुमार, मनीता कुमारी, सुरेंद्र कुमार, निखिल कुमार, रेंद्र कुमार, मनीषा कुमारी, जयराम, मनीषा चौहान, जयराम यादव, ईशु कुमार, पूजा कुमारी, रणधीर कुमार, सभी का ये आ रहा होगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप एक्स मान सकते थे, या फिर इसको एक्स मान सकते हैं, कैसे, देखिए कैसे भाई, मान लेते हैं कि हमको अनुपात दिया हुआ है, ही था पहला और दूसरा, पहला और दूसरा का अनुपात कितना आ गया था 4:3। अब भाई इसको मान लिया हम 4x+3x का 25% बराबर कितना था भाई 420, तो हमको निकालना था क्या, हमें निकालना था छोटी संख्या यानी कि 3x, तो 7x 1/4 बराबर 420 आ रहा होगा, और x बराबर आपको आ जाएगा 7×42 6×24 240, तो 3x बराबर हो जाएगा 720। यू कैन कैलकुलेट बाय सपोजिंग x, आप अगर x मानते हो, मैं तो मानता हूं कि आप जो मान लोगे वो सही हो जाएगा, बस बशर्ते कि उसको ढंग से आप निपटा देते हो। मुझे लगता है कि समय आज काफी हो चुका है, आज पता नहीं कैसा क्लास लगा है आपको, पीडीएफ से पढ़ा रहा हूं क्योंकि टाइप में कर नहीं पाया आज क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बोल भी रहा था कि जिनको भी, जिन बच्चों को भी दिक्कत होता होगा वो आकर मिल सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, फील्ड में मिल लेंगे, बाहर आप मिलिए अगर जिनको दिक्कत होता है तो। यहां पर मैं एक बैठा रखा हूं जो दिन भर आपका सोल्यूशन देंगे, तो आप किसी को भी कहीं से भी डाउट हो तो आकर पूछ सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं हमसे, हम लोग दो लोग बैठे हुए हैं सोल्यूशन के लिए बाहर फील्ड में, खेल परिसर का जो है फील्ड उसमें, ठीक है। तो आप आकर पूछताछ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन मास्क उस्क लगा के रखिए और अपनी जिम्मेवारी लेकर आइए। सुनते हैं, सरकार का मानना है कि दिक्कत हो जाता है, इसलिए अपनी जिम्मेवारी से, और फील्ड में मिलेंगे। सुनते हैं, सड़कों पर नहीं फैल रहा है कोरोना, तो हम सड़क पर ही मिलेंगे आपसे, आइएगा, ठीक है। आज भी रहने देते हैं, धन्यवाद, सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहे और उत्साह बनाए रखें, छोड़ना नहीं है बाबू, क्योंकि स्थितियां छोड़ देंगे तो लोग छोड़ देंगे आपको। सो प्लीज, जो निर्णय लिए थे आप, चल गया में आए थे जब पढ़ने के लिए, जो निर्णय लेकर पढ़ने मेरे पास ज्वाइन किए थे आप, वो अभी उसको पूरा करना है, फिनिश करना है सिलेबस। धन्यवाद। कैसा लग रहा था क्लास?